जय हिंद साथियों। जी हाँ, जिस चीज का इंतजार आप और मैं कर रहे थे वो आखिर आज हो गया। जिस चीज की शुरुआत करी थी राहुल गांधी ने परसों, क्या हुआ उसे? आज वो हो ही गया। क्योंकि जब कोई सचमुच में जो नेता होता है और सच्चे और साफ दिल का नेता होता है, जिसके अंदर एम्पथी यानी कि संवेदनशीलता होती है, जो दूसरों के लिए अच्छा करना चाहता है और वो कुछ करने पे आ जाए तो वो करके रहता है। मैं आपको आज शुरुआत जिस बात से करना चाहती हूँ वो इस बात से। हम लोग अटेंड कर रहे थे राहुल गांधी जी के साथ, और राहुल गांधी जी उस वक्त केवल हाथरस की बातें नहीं कह रहे थे, मगर जिस तरह से वो हाथरस की बातें जितनी बार भी उन्होंने कही, जितनी बार उनकी बातों में आई, उससे दिख रहा था कि वे किस प्रकार से प्रभावित हैं उस पूरे माहौल से, जिस माहौल से वो बेटी गुजरी होगी, वो परिवार गुजर रहा है। ये केवल उस प्रकार के राजनेता नहीं है जिस प्रकार के राजनेताओं को देखकर आप कहते हैं कि राजनीति गंदी होती है। उसी मीटिंग के दौरान जब उन्हें कहा गया, किसी ने आवाज लगाई तो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूं। दो बार बुलाया गया, उन्होंने कहा मैं आ रहा हूं, मगर अपना पूरा ध्यान उन्होंने उस मीटिंग में जिस बात को वो कह रहे थे, जिन लोगों से वो बात कर रहे थे, हम लोगों से, उसकी तरफ वो पूरे ध्यान से सुन रहे थे। जो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जी जो हैं वे सबसे नहीं मिलते या उन वो लोगों की पहुंच से दूर है, तो मैं आपके सामने बैठी हुई हूं आज आपको ये बात बताने के लिए कि ये गलत है। राहुल गांधी जी पूरी बात को सुनते हैं, हर एक की बात को सुनते हैं और बड़ी ही सहनशीलता के साथ सुनते हैं और चाहते हैं कि हर एक को मौका मिले उनसे बात करने का, अपनी बात को कहने का। वे ये जानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होंगी, उनको बहुत सारी बातें बताने की, जिससे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, और कांग्रेस पार्टी से मतलब है भारत को मजबूत करने की। तो आज मैं आपको जिस बारे में बात करना चाहती हूँ वो वही है कि किस प्रकार से शुरुआत करी राहुल गांधी जी ने परसों, और आज आप देख लीजिए विजय हुआ। विजय किसको मिली? विजय आपको मिली, विजय मुझे मिली, इस देश को विजय मिली। तो विजय हमको कैसे मिली? क्योंकि सत्य की जीत हुई। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, मैं सिलसिलेवार उन पर भी आऊंगी। मैं आपको जिन बारे में बात करना चाहती हूं वो बात पहले बता दूं। जी, सबसे पहले हम इस बात पे जाना चाहते हैं कि हाथरस का परिवार क्या कह रहा है। वे कह रहे हैं कि जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने उन पर दबाव डाला। आप मुझे बताइए, प्रवीण लक्षकर जो जयपुर के हैं, जानते हैं उनके घर के बाहर वहां पे भीम आर्मी ने कूड़ा डाल दिया, क्योंकि लोग आक्रोशित है, लोग नाराज है जिस प्रकार का उन्होंने कार्य किया। मुझे बड़ा दुख है कि मेरे उत्तराखंड के मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त करी होगी, क्योंकि वो सिविल सर्वेंट है। मुझे बहुत दुख है कि उन्होंने इस धरती पर भी कदम रखा और जिस तरह से आज वो व्यवहार कर रहे हैं। अगर उन पर दबाव है तो उन्हें सामने आके बोलना चाहिए था। उन्होंने देश की सेवा की कसम खाई है या योगी की सेवा की कसम खाई है, ये उनको सोचने की आवश्यकता है। बार बार कहा जा रहा है ऊपर वाला, ये ऊपर वाला आखिर है कौन? बार बार ये कहा जा रहा है कि जो हो रहा है, एक SIT की का गठन किया गया है, वो अपनी रिपोर्ट CM को देंगे और फिर वो एक्शन लेंगे, मगर इस CIT की जांच जो है वो घेरे में है। जांच घेरे में क्यों है? क्योंकि SIT जब जांच करने के लिए पहुंची है, आप खुद सोच के देखिए। मैं आपसे आज राजस्थान के विषय पे भी बात करना चाहूंगी, पिछले साल के अलवर वाले विषय पे भी बात करूंगी, आज के 12 वाले विषय के बारे में भी बात करूंगी। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अगर एक गरीब
शोषित वंचित तबके का परिवार उसके घर के चारों तरफ पुलिस हो और उसको डीएम कह रहा हो कि अपना बयान मत बदलना, वो मत कहना। और याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि 12 के संबंध में मैं ये बात कहूँ, बताऊंगी आपको बयान बदलने वाली। अब जो बात मतलब हमने दबाव में तुमसे कहलवाई है उस पे तुम्हें अड़े रहना है, क्योंकि मीडिया वाले चले जाएंगे, रहना तुम्हें हमारे साथ है इस गांव में, तो हमें तुम्हें झेलना पड़ेगा। तो मतलब तुमको हमें झेलना पड़ेगा। इसके अलावा आप जानते हैं आज सुबह से जो तस्वीरें आ रही थी, बड़ी भयावह तस्वीरें और खबरें थी। गांव के चारों तरफ आप जानते हैं कि किस प्रकार की घेराबंदी करी गई थी पुलिस के द्वारा, कल भी हमने वो देखा। परंतु आज एक चैनल पे भी दिखाया कि किस प्रकार से खेतों में जो विपक्षी यानी कि जो बलात्कारी थे उनके परिवार वालों को खुली छूट दे दी गई थी, ऐसा बताया जा रहा था इस टेलीविजन चैनल के द्वारा जिसका नाम भारत समाचार है। वो कह रहे थे, वहां उनकी रिपोर्टर दिखा भी रही थी कि किस प्रकार से लोग खेतों में खड़े थे और उन्हें वो कह रही थी कि खुली छूट मिल गई है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मीडिया वालों के लिए बड़ा खतरा सा बना था। और उनकी बात से मैं सहमत हूं कि ऐसा ही होगा, क्योंकि जिस वक्त बाकी लोग गांव की तरफ जा रहे थे, ये रिपोर्टर को पुलिस वाली एक जो महिला थी वो उन्हें ले जाने की कोशिश कर रही थी, ये कहते हुए कि कुछ बात करनी है उधर आ जाओ, धीरे से बात करना चाह रही थी, जो ये लड़की नहीं करना चाह रही थी। इस सब में आप मुझे बताइए, ऐसे माहौल में अगर SIT ने जांच करी भी तो उस SIT पे क्या भरोसा, उस मुख्यमंत्री पे जब भरोसा नहीं तो उस SIT पे कैसे भरोसा किया जाए जिस SIT की का गठन उस मुख्यमंत्री ने किया, जिसका जो रोल है वो बिल्कुल ही एक भ्रष्टाचारी के रूप में दिख रहा है, जिसका रोल है पारदर्शिता के परे दिख रहा है। क्योंकि उनकी तस्वीरें ऐसी भी दिखाई जा रही हैं, कहाँ तक सच है कहाँ तक गलत इसके बारे में नहीं कह सकती, इसलिए पूर्ण विश्वास नहीं कर रही हूँ, परंतु डाउट बता रही हूँ। ऐसी तस्वीरें उनकी वायरल हो रही है जिसमें वे उस व्यक्ति के साथ दिख रहे हैं जिसको संदीप जो बलात्कारी बताया जा रहा है उसका पिता बता रहे हैं। इसके अलावा उस संदीप के पिता की फोटो मोदी जी के साथ भी दिख रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत सारा जो ये पूरा मामला है संदिग्ध हो गया है। आप मुझे बताइए कि इस माहौल में कोई भी SIT जाके अगर पूछताछ करे और परिवार को किसी वकील से भी बात ना करने दिया जाए। आप मुझे एक चीज बताइए कि शोषित वंचित होने का क्या मतलब होता है हमारे देश में? क्या इसका मतलब ये है कि हमारे देश में गरीबों को अधिकार नहीं है, कि वो नहीं कर सकते जो वो करना चाहते हैं? क्या इसका मतलब ये है कि उनको उनकी बिटिया को आग के हवाले कर दिया जाए, पेट्रोल डाल के जला दिया जाए, जो क्रियाकर्म की रस्में हैं उनको ना निभाई जाए? क्रियाकर्म की रस्में तो जो मौत की सजा पा जाए, अगर वो मौत की सजा पाने के पहले मर जाए तो उसको भी करने का अधिकार है, और जो मौत की सजा पाता है उसके भी शरीर को एक पर्टिकुलर रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस परिवार के साथ जिस प्रकार का व्यवहार कर दिया गया था उस तरह से अगर देखे कि एक के बाद एक उत्पीड़न इनके ऊपर किया जा रहा था, इन्हें धमकाया जा रहा था, इन्हें डराया जा रहा था, इनके घर के बच्चे किसी प्रकार से खेतों के जरिए बाहर भाग रहे थे और मीडिया कर्मियों तक पहुंच रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि किस प्रकार से उन्हें धमकाया जा रहा है और मारा पीटा भी जा रहा है, महिलाओं के साथ भी बहुत ही बदतमीजी से व्यवहार किया जा रहा था, बहुत ही बदतमीजी से व्यवहार किया जा रहा था। जानते हैं इस बात को आप कहेंगे कि वो कह रहे हैं, तो मैं यही तो कह रही हूं। तो चारों तरफ से घेराबंदी क्यों करी गई? घेराबंदी करी गई इसका मतलब है कि जो गांव वाले कह रहे हैं वो सत्य है, वही अटल सत्य है। और इसका एक और प्रूफ देती हूं, आपने देखी थी वो तस्वीरें जिस वक्त राहुल गांधी जी जा रहे थे हाथरस परसों,
तब उनके साथ क्या किया गया, किस प्रकार का उनके साथ व्यवहार किया गया। अगर आपने देखा तो देखा होगा कि किस प्रकार से उन्हें धक्का मार के गिरा दिया गया, किस प्रकार से उनके साथ अभद्रता करी गई। उसके बाद डेरेक ओब्रायन और टीएमसी की जो महिला सांसद थी, जब वे हाथरस गांव के पास पहुंच गई थी तो उन्हें किस प्रकार से धक्का मारा गया, किस प्रकार से अभद्रता। एक आईएएस प्रशिक्षु ट्रेनी पीपी मीणा बदतमीजी की पराकाष्ठा, बदतमीजी की हर हद को पार कर दी। नौजवान है, इसलिए इनको सलाह दे रही हूं कि अपनी अपने तरीकों को सुधारिए। इस तरह की बदतमीजी आप करेंगे, आप देश कभी नहीं भूलेगा, आप आईएएस में बने रहेंगे, मगर आपने जो कर दिया ना इस गांव में, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। या तो आईएएस छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको इज्जत अब किसी भी प्रकार से आसानी से नहीं मिलने वाली। इस इज्जत को वैसे भी बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, लेकिन जो आपने कर दिया पीपी मीणा, बहुत ही बदतमीजी थी, बहुत ही बेहूदगी थी। आपको शर्म नहीं आई, आपको ये नहीं दिखाई दिया कि आप जन प्रतिनिधियों को क्या कर रहे हैं, जन प्रतिनिधियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आईएएस और जो हमारे जन प्रतिनिधि होते हैं, अधिकारी और जन प्रतिनिधि, हमारे संविधान के हिसाब से इनको ये दोनों जो अलग अलग अंग बनाए गए हैं हमारे संविधान के द्वारा, ये एक दूसरे के ऊपर चेक रखने के लिए बनाए गए हैं, ना कि एक दूसरे के साथ बदतमीजी करने के लिए और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। यदि कोई गलत करता है तो आप उसे बताते हैं। सभ्य समाज में तमीज कुछ होती है, मगर ये अफसर जो है, खास करके पीपी मीणा, जो एक नौजवान होने के बावजूद उनके उनके व्यवहार के बारे में बहुत कुछ बताया गया है कि कितनी बदतमीजी उन्होंने करी महिला पत्रकारों के साथ भी। तो पीपी मीणा को मेरी यही सलाह है, या तो आप ये समझ लीजिए कि आपको दोबारा इज्जत कमानी होगी तो आपको अपने व्यवहार में सुधार करना पड़ेगा, अपने दिमाग की गंदगी को निकालनी पड़ेगी। आईएएस का मतलब ये नहीं है कि उस पावर का आप मिसयूज करें। वो जमाने चले गए जब आईएएस अपने पावर का मिसयूज करते भी थे। अब जो जमाना आ गया है, यहाँ पे न केवल जनप्रतिनिधि जो हैं वो चेक रखेंगे, परंतु अब जनता भी जागरूक होती जा रही है और उनका भी अधिकार है इस लोकतंत्र में। उनको अधिकार है आप लोगों से जवाब मांगने का, पारदर्शिता के लिए, आपकी जवाबदेही तय करने के लिए। इसलिए आपने जो कहता है कि आप आईएएस आपने ज्वाइन ही इसीलिए करी क्योंकि आपको लगता है आपको पावर मिल जाएगा और आप वो सब कर सकेंगे जो आप चाहते हैं। वो लोगों के साथ अभद्रता, लोगों के साथ बदतमीजी, उनको दबाना, ये नहीं है आपका काम। अगर आपने सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया है तो एक चीज को याद रखिएगा कि लोगों की सेवा करने के लिए, देश को बेहतर बनाने के लिए, पिछड़े वंचित शोषित समाज के लोगों को उठाने के लिए, उनके उत्थान के लिए, जो आपका काम है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, उससे बाहर जाके काम ना करें। चाटुकारिता आप अगर किसी हद तक करते भी हैं तो मुझे समझ में नहीं आया कि आप तो अभी प्रशिक्षु हैं, इतनी क्या चाटुकारिता की जरूरत पड़ गई कि आप एक आईएएस ऑफिसर होके इतने तलवे चाटने लग गए कि आप जमीन पे लौट गए। पीपी मीणा, शर्म भी नहीं आई आपको? आपको हमारे पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से, और याद रखिएगा कि केवल हम में से कुछ लोग टैक्स नहीं देते, केवल हम नहीं देते, केवल बहुत अमीर लोग नहीं देते, हर व्यक्ति टैक्स देता है। जब आप कोई बिस्किट खरीदते हैं, जब आप कोई साबुन खरीदते हैं, आप कोई टूथपेस्ट खरीदते हैं, तो आप सब भी साथियों टैक्स जमा करते हैं। इसलिए इनकी इनको ये बात समझनी होगी और आप लोगों को भी इस बात को समझ के अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। अब आप देखिए कि कहा जा रहा है कि जो एसआईटी कहेगी वो होगा। ये एसआईटी किस प्रकार की है, मैं जानना चाहती हूं कि डीजीपी महोदय कहाँ है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी क्यों नहीं नजर आ रहे? शायद डीजीपी साहब का जमीर नहीं तैयार है ये सब करने को, लेकिन जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी डीजीपी साहब, या तो आप इस्तीफा दे देते। लेकिन आपने जब उस पोजीशन पे बने रहने की कसम ही खा ली है तो आप जिम्मेदारी लीजिए, वो आपको लेनी पड़ेगी। अब आप देखिए कि परिवार क्या कह रहा है, परिवार बता क्या रहा है कि उनके ऊपर किस किस प्रकार के दबाव डाले गए।
उन्होंने कहा कि किस प्रकार से जो डीएम है उसने ना सिर्फ इन्हें धमकी दी कि बाहर जाके कोई बात ना बताओ, उस डीएम ने इनको कहा कि कोरोना, अगर कोरोना में मौत होती तो इतना पैसा ना मिलता तुम्हें, कितने 10 ना 25 लाख ना कितने लाख मिल रहे हैं। आप मुझे बताइए कि कितने भी मिल जाए, 1 करोड़ भी मिल जाए तो बेटी उनकी वापस आ जाएगी क्या? आप उनकी बेटी को ला दीजिए। परिवार सवाल उठा रहा है कि वो जो जिसकी लाश को जलाया गया वो किसकी लाश थी। उनका कहना यह है कि जब हमें शक्ल नहीं दिखाई गई तो हम कैसे मान ले कि वो हमारी बहन थी, वो हमारी बेटी थी। उनकी बात बिल्कुल सही है और उस बॉडी को फूंकने का अधिकार इन्हें नहीं था, पर इनको ये आज्ञा किसने दी होगी, ये निर्देश किसने दिए होंगे, ये परमिशन किसने दी होगी? वहां के डीएम प्रवीण लक्षकर, आपके गृह जो राज्य में जयपुर में आपके घर के सामने जो कूड़ा डाला गया, आपके घर पे तरह तरह के पोस्टर लोगों ने लगाए, उससे आपको पता चल गया होगा कि आपको कलंक का टीका मान लिया है जयपुर शहर के लोगों ने। आपने जो किया है उस वो किसी को भाया नहीं है, आपके आकाओं को भले ही भाया होगा पर आपके जमीर को कितना भाया ये आप बेहतर जानते हैं। आपके लिए यही कहूंगी कि आदित्यनाथ जो है अगर आपको आपकी पोजीशन से नहीं हटा रहे हैं तो वे आपसे बड़े खुश हैं, क्योंकि सबसे पहली गाज तो आपके ऊपर गिरनी चाहिए थी, छोटे मोटे प्यादों को हटा देने से क्या होगा। हाँ, ये अवश्य है कि योगी आदित्यनाथ बोलते हैं स्वयं को अजय सिंह बिष्ट, मगर अजय सिंह बिष्ट की वो तस्वीर आपको याद है जब संसद में रो पड़े थे, वो जब उनको सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी, उनके साथ अभद्रता हुई थी, तो उसी का बदला क्या वो अब हर एक से लेंगे? कहा जा रहा है परिवार के द्वारा कि पोस्टमार्टम में बॉडी जो है अगर दोबारा से कराई जाती तो शायद वो सेटिस्फाई होते, लेकिन उसके लिए क्या ये आवश्यकता नहीं थी कि उस बॉडी को रखा जाता? उस बॉडी को, उस बच्ची के शरीर को आग में झोंकने का क्या मतलब था? इसकी जिम्मेदारी डीएम की है, तो जिलाधिकारी को तुरंत बर्खास्त ही ना करा जाए, परंतु जिन पुलिस वालों को हटाया गया ये खानापूर्ति करी गई है। जानते हैं क्यों करी गई है? ध्यान से सुनिए इसको। दरअसल हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीएम हाथरस और एसपी हाथरस को सम्मन किया है। अब इन्होंने क्या किया, अभी एसपी को हटा दिया, हो सकता है कि डीएम को भी हटा दे। इसके बाद क्या होगा कि जब ये लोग पेश होंगे कोर्ट के समक्ष, तो जानते हैं कौन होगा पेश? अब वो पेश होंगे जो अब बने हैं एसपी, जिनका नाम बताया जा रहा है नवनीत सहगल। तो नवनीत सहगल पेश होंगे, डीएम बदल जाएंगे तो डीएम पेश होंगे और ये कहेंगे कि हमारे से पहले जो था उसने किया, तो यानी कि ये बातें कुछ और बताएंगे, इनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। कोर्ट में जो मैटर लड़ेगी वो भी आदित्यनाथ की पुलिस है, मैटर को कमजोर करेगी ताकि इनके विरुद्ध कुछ ना पाया जाए और इन्हें क्लीन चिट मिल जाए। और ये जो बता रहे हैं ना कि इनके विरुद्ध एसआईटी ने कहा है, अब सुन लीजिए कि एसआईटी ने क्या कहा है। अजीबो गरीब है भाई, देश अजीबो गरीब हालात में चल रहा है और फिर ये कहते हैं कि आवाज ना उठाओ। जब ये विपक्ष में थे तो ये हर चीज का राजनीतिकरण करते थे ना, क्योंकि बेशरम है ये बेशरम पार्टी है, बेशरम महिलाओं को जलाने वाली पार्टी, मारने वाली पार्टी। आप देखिए कि एसआईटी क्या कहती है, एसआईटी अपनी रिपोर्ट देती है, सो कॉल्ड रिपोर्ट आदित्यनाथ को। आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है वो कहते हैं उनकी रिपोर्ट के को देखते हुए जो एसपी हैं, जो सीओ हैं और जो बाकी पुलिस वाले हैं उनको बर्खास्त किया जाता है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं किया, और ऐसा ये जो रिपोर्ट है एसआईटी की ये बताती है। इसके बाद आ जाते हैं कि दूसरी बात वो क्या कहते हैं। दूसरी बात इस रिपोर्ट में, रिपोर्ट क्या कह रही है, अब आप मजाक बना के रखा है आदित्यनाथ आपने पूरे सिस्टम का, आपसे संभल नहीं रहा। और आप उस
उस चक्रव्यूह में भी फंस गए हैं जो मोदी जी ने आपके लिए रचा है। आप फंस गए क्योंकि आपने शुरुआत में ही कह दिया कि मोदी जी का फोन आया था। मोदी जी तो चाहते थे कि क्रेडिट उन्हें मिले और आपको डिसक्रेडिट मिले। डिसक्रेडिट तो आपको मिलना ही है क्योंकि आपने काम ही ऐसा कर दिया। लेकिन अब मोदी जी ने बता दिया मैंने फोन किया और आपने कहा, उन्होंने फोन किया इसलिए मैं SIT का गठन कर रहा हूं। ये पूरे देश को समझ में आ गया कि आप गुंडागर्दी करते। आप हो सकता है क्योंकि आप बड़ा बड़ा गर्व महसूस करते हैं लोगों के घरों को गिरवा देने में, उन पे बुलडोजर चलवा देने पर आपको बड़ा गर्व महसूस होता है। महिलाओं के जो का जो शोषण होता है उसमें जो आपके भाजपा के विधायक होते हैं उनको बचाने का, उनके साथ फोटो खिंचवा के उनको अपने साथ साथ चलने का। मगर योगी आदित्यनाथ बुलाऊंगी आपको, छोटे भी हैं, पद आपका बड़ा है, उस पद का सम्मान करती हूं, आपका बिल्कुल नहीं करती क्योंकि महिला हूं और देख रही हूं कि आपने क्या करा है। अब आप देखिए इनकी SIT रिपोर्ट का कमाल, मतलब बेहूदगी से बड़ा, इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। इस SIT की रिपोर्ट में लिखा है कि जितने पुलिस वाले हैं जिनको निलंबित करा गया, जिनको निलंबित करने का इन्होंने रेकमेंडेशन किया था, संस्तुति करी थी, उनका नार्को टेस्ट करा जाए और परिवार वालों का, जो पीड़ित मतलब जो लड़की आज नहीं है जिसके साथ इतना अन्याय हुआ उसके परिवार का नार्को टेस्ट करा जाए। क्योंकि क्या बताना चाहते हैं, नार्को टेस्ट का मतलब है कि झूठ और सच, कि ये क्या झूठ बोल रहे हैं क्या सच बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि एक वंचित शोषित दलित परिवार का कोई मान नहीं है उत्तर प्रदेश में, खास करके आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में। इस वजह से आपने सुना है कभी कि किसी पीड़ित के परिवार का कि कोई मर जाता है, उसका बलात्कार हो जाता है, वो मर जाता है, फिर उसके परिवार का आप नार्को टेस्ट कराते हैं ये बताने के लिए दुनिया को कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये बताने के लिए नहीं कि ये सच है या झूठ, ये बताने के लिए कि ये परिवार झूठ बोल रहा है, शर्म नहीं आती। अरे ये कल्याणकारी राज्य है ठाकुर, ठाकुर आदित्यनाथ, ठाकुर अजय सिंह बिष्ट, ये ठाकुरों का देश ही नहीं है केवल, ये हर गरीब शोषित वंचित हरेक का अधिकार है, यहाँ हर महिला का अधिकार है। आप तो महिलाओं से भी बहुत नफरत करते हो, उनके पोस्टर लगाते हो क्योंकि आपको नफरत है। आप समुदाय के नाम पे लड़वाते हो, आप धर्म के नाम पे लड़वाते हो, आप जाति के नाम पे लड़वाते हो। और अब हम देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से आप दूसरों पे दोष लगा रहे हैं। ये काम तो आपने जीवन भर किया है समुदायों के बारे में, आप तो गांधी और गोडसे में फर्क बताते हो अच्छी तरह से, और ये बताते हो कि आप विश्वास करते हो गोडसे में, गांधी पे नहीं। गांधी को मानना तो आपकी मजबूरी है क्योंकि देश में अगर आप गांधी को ना माने तो दुनिया में आप क्या बताएंगे। दुनिया को तो बताना पड़ेगा कि नहीं हम तो गांधी पे विश्वास करते हैं क्योंकि पूरी दुनिया गांधी को मानती है और गांधी पूरी दुनिया के है। जो नफरत वाले लोग हैं, गांधी तो अपने आप को उनका भी मानते थे, लेकिन आप लोग जो नफरत से भरे हुए हैं, जिनके अंदर जहर घुला हुआ है, वो नहीं मानते गांधी को। अब आप देखिए कि किस प्रकार से एक गरीब वंचित शोषित दलित परिवार को, और ये बात कहनी पड़ेगी, इस बात को हम झुठला नहीं सकते, इसी कारण से क्योंकि ये गरीब है, क्योंकि ये दलित है, क्योंकि ये दबे कुचले समाज से आते हैं, इस वजह से अजय सिंह बिष्ट इनका नार्को टेस्ट करवाना चाहते हैं। नार्को टेस्ट करवाना है आदित्यनाथ तो अपना नार्को टेस्ट करवाओ, साथ ही मोदी जी का भी नार्को टेस्ट करवा लेंगे। आप तो करवाओ, अपने DGP का करवाओ, अपने ADG लॉ एंड ऑर्डर का करवाओ। अभी मैं आपके ADG लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करना चाहती हूँ। आज विनय कटियार कितनी बेशर्मी करी, और उनको तो मैं कब से देख रही हूँ, मैं तब से देख रही हूँ जब पढ़ा करती थी स्कूल और कॉलेज में, मैंने तब से देखा विनय कटियार के हाव भाव तरीके तौर तरीके उनके कैसे हैं, तब भी देखा था अब भी देख रही हूं। कहते हैं कि लड़की का बलात्कार नहीं हुआ, कहां से आए हो विनय कटियार, टपके हो, उगे हो हैं या छींटे की तरह पड़े हो, कहां से आए हो ये भी बता दो। विनय कटियार जो बात कहते हैं
मैं इसमें आपको बताना चाहती हूँ कि यही बात एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, और इनका नाम शायद प्रशांत कुमार है, जी हाँ प्रशांत कुमार कहते हैं कि लड़की का कोई रेप नहीं हुआ, लड़की का बलात्कार नहीं हुआ। ये बातों को बोलना कठिन हो जाता है, पर मुझे लगता है इस बात को आपको बार बार मुझे बताना पड़ेगा। और क्या बताना पड़ेगा, वो कहते हैं कि जो एफएसएल की रिपोर्ट आई है उसमें सीमन यानी कि वीर्य नहीं पाया गया लड़की के गुप्तांगों में। वो कहते हैं कि लड़की के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ, एफएसएल की रिपोर्ट ऐसी कहती है। मैं बता दूं आपको कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जो कानून की पढ़ाई तब करी थी जब वो पुलिस फोर्स में आए थे, वो उसी तक रुके हुए हैं। उसके आगे उन्होंने रिफ्रेशर नहीं किया, किताब कभी पढ़ी नहीं, शायद व्हाट्सएप पढ़कर वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अब तो रिटायर भी होने वाले होंगे। मगर साथ में जो क्या नाम है इनका, नवीन कटियार, क्या बताया था मैंने आपको इनका नाम, मैंने लिखा भी था कहीं पे, जो भी है इस कटियार जी का, ये कटियार क्या कहते हैं, विनय कटियार क्या कहते हैं, मतलब मैं इनकी शक्ल नहीं भूल सकती, मुझे तब से याद है, मतलब बहुत ही उग्र रूप से बात करा करते थे ये। विनय कटियार भी कहते हैं कि लड़की का रेप नहीं हुआ। आप डॉक्टर हैं महोदय, आपको शर्म नहीं आती, आपके घर में माँ बहन बेटी नहीं है, आप कौन है, आप कौन सा मंत्रालय संभालते हैं जो इस तरह की बात करते हैं। आप मुद्दों पे बात करिए, आप आपका जो अधिकार क्षेत्र आप बात करिए, आप कहिए कि विपक्ष के बारे में जो कहना है वो कहिए, आपको जो बात अपनी पुलिस को बचाने के लिए कहना है वो कहिए, मगर आप एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपकी पार्टी में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ये प्रधानमंत्री से ज्यादा हमें किसी ने नहीं बताया जिन्होंने ये कहा कि वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ये बात अलग है कि अमित शाह जी ने उनकी एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली मास्टर्स डिग्री बाद में दिखाई, और उसके बाद हमें पता चला कि 11वीं के बाद तो 11वीं उन्होंने पूरी नहीं करी, उनको तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कूल से मिल गया था। अब आप देखिए कि विनय कटियार ये बात कहते हैं क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि लड़की का बलात्कार नहीं हुआ क्योंकि उसके शरीर में वीर्य यानी कि स्पर्म नहीं पाया गया। तो मैं कल भी बता चुकी हूं 1994 के केस के बारे में, 2004 के केस के बारे में, और तमाम ऐसे और भी केस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट यानी कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि रेप जो है बलात्कार उसको भी माना जाएगा जिसमें पुरुष का लिंग महिला के अंदर ना डाला जाए, महिला के शरीर में ना डाला गया हो, मगर और इसके अलावा अगर स्पर्म यानी कि वीर्य भी लड़की के शरीर में नहीं मिलता तो भी उसे बलात्कार माना जाएगा। इसके साथ ही हमारे देश का कानून क्या कहता है, हमारे देश का कानून कहता है डाइंग डेक्लेरेशन भी कोई चीज होती है, आपको 3 दिन से बता रही हूं। डाइंग डेक्लेरेशन यानी कि मरने के पहले जो स्टेटमेंट एक व्यक्ति देता है मरने के पहले, वो बिल्कुल पूरी तरह से सत्य माना जाता है। और इस लड़की ने कहा था मरने के पहले, इस बच्ची ने कहा था मरने के पहले, ये भारत की बेटी है जिसने कहा था मरने के पहले यानी कि अपने डाइंग डिक्लेरेशन में कि उन 4 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। तो कोई भी एफएसएल रिपोर्ट आप ले आओ, कुछ भी कर लो, इस बात को तो हम मानते हैं और जानते हैं कि उसको खींच के ले जाया गया था इनके द्वारा, उसकी हड्डी टूटी, हड्डी ऐसे ही टूट गई ना, कैसे टूट गई, वो लड़की खड़ी थी उसकी हड्डियां अपने आप चरमरा के टूट गई, उसकी गर्दन गिर गई है ना, उसके शरीर से कपड़े अपने आप उड़ गए, तभी वो लड़की निर्वस्त्र हो गई थी, ऐसे ही हो गई है। और उस लड़की के शरीर पर वीर्य नहीं मिला इसलिए आप कहते हैं कि उसका बलात्कार नहीं हुआ, वो लड़की मरने के पहले कह के गई है कि उसका बलात्कार हुआ है, इसलिए इस बात को आपको और मुझे मानना है, हम मानते हैं। उस परिवार के साथ सोचिए कि इन्होंने क्या किया, और अगर ऐसा नहीं था तो इस डीएम, इस जिलाधिकारी से पूछा जाए, इसका क्या नाम बताया था मैंने आपको, प्रवीण लक्षकर, इस प्रवीण लक्षकर से पूछा जाए कि बेवकूफ बदतमीज आदमी, तूने
उसके मृत शरीर को पेट्रोल डाल के क्यों जला दिया? परिवार को जाके जानते हैं क्या बता रहा है? कह रहा है कि शरीर को बहुत काटा पीटा जाता है जब पोस्टमार्टम होती है, तुम देख नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, खा नहीं पाते कई कई दिनों तक। अरे जिस परिवार की बेटी चली गई, तुम उस परिवार के ऊपर एक के बाद एक इस तरह का दुराचार कर रहे हो। ये तो पूरे संविधान का आपने गैंगरेप कर दिया, आप लोगों ने मिलकर कानून की हत्या कर दी और न्याय को सदा के लिए शांत करने की कोशिश करी है। परंतु न्याय को शांत हम नहीं होने देंगे, न्याय उस लड़की को दिला के रहेंगे। आपने सोचा उसकी जीभ काट लेंगे तो सत्य को काट के खत्म कर देंगे। सत्य को आप खत्म नहीं कर सकते, उस लड़की को न्याय मिलना पड़ेगा, बिल्कुल। और हम सब उस लड़की के साथ है, उस लड़की की आवाज आज पूरा देश जो है वो उस आवाज को अपनी आवाज बना के उसकी आवाज को बुलंद कर रहा है। अब आपको मैं और कुछ बताना चाहती हूं, मतलब कमाल तो ये है इस सरकार का कि एक चीज करे तो मैं कहूं ना। अब आप देखिए, पहले इन्होंने क्या कहा था कि ये फेक है, ये खबर झूठी है, और इनको फिर एडीजी, ये जो इनके मीडिया सलाहकार थे उनको क्यों बदलना पड़ा भाई? अगर ये खबर झूठी थी, नहीं, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, इनको क्यों बदला आपने भाई? कुछ अब वो सही कह रहे होंगे, फेक खबर है। मतलब आप चीजों को कर रहे हैं और फिर भी आप बता रहे हैं कि रेप नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि लड़की की मौत हो जा रही है, लड़की को किस तरह से उसकी हड्डियां तोड़ दी गई हैं, उसकी जीभ काट दी गई है, वो लड़की मर जा रही है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, और उसके शरीर को आप यूं करके जला दे रहे हैं ताकि कोई एविडेंस ना बचे। अब आप मुझे बताइए, ये एविडेंस भी चला गया, इस एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए अगर आप एक आम आदमी ऐसा करता तो आपके ऊपर कानून का शिकंजा कसता या नहीं कसता, आपके ऊपर कार्यवाही होती या ना होती? अगर पुलिस वालों ने, अगर डीएम ने एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया है, उसको नष्ट किया है, तो क्या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? इन सभी पुलिस वालों के विरुद्ध, उन सभी अधिकारियों के विरुद्ध जो हापुड़ जिले में तैनात है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के विरुद्ध, डीजीपी के विरुद्ध, यहां तक कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करी जानी चाहिए। क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए, जैसा कि हमेशा से सुना आपने और मैंने, 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, ये एक के बाद एक झूठ बोले ही चले जा रहे हैं। अब देखिए मीडिया को क्यों रोका, और मीडिया को रोकते वक्त आपने देखा, मैं आपको परसों की उस तस्वीर को याद करवाना चाहती हूँ जिसमें इन्होंने राहुल गांधी को तो धक्का मारा ही, मगर महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है दिल्ली की, अमृता धवन, उनके कपड़े किस प्रकार से पुलिस वालों ने फाड़ा, इसका भी अधिकार है, पुलिस कुछ भी कर सकती है। अरे ये वो पुलिस है, उस सरकार की पुलिस है जो महिलाओं का सम्मान नहीं करती, महिलाओं का बलात्कार होने देती है, जो बलात्कारी है उनका साथ देती है, उनका संरक्षण करती है और उनको आगे बढ़ाती है। तो ये सरकार जो है निश्चित ही तौर पे महिलाओं के कपड़े तो फड़वाएगी, और उस दिन इन्होंने जो किया वो तो जो किया, उसके बाद मीडिया की जो लड़कियां थी, बहुत कम उम्र की ये लड़कियां हैं, इन्हें देखकर मुझे परेशानी हो रही थी कि इनके साथ कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। इनके साथ क्या कर रहे हैं आप, इनके आप कपड़े खींच रहे हैं, इनको पकड़ रहे हैं, इनके साथ अभद्रता कर रहे हैं, कुछ तो संयम बरत सकते हैं। खैर आपने ये भी किया। अब आप देखिए कि किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से, कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गया। तो मैं जानना चाहती हूँ, हमारे तो जो राष्ट्रपति है महामहिम, वे भी स्वयं दलित है, उन्होंने देखा होगा कि पिछड़े वंचित शोषित समाज के साथ क्या होता है और उनको आगे लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं जानना चाहती हूँ महामहिम से भी कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अगर इस तरह से बुरे हाल में आ गई है और जिस तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा ले रहे हैं आदित्यनाथ, क्या ये आवश्यक नहीं है कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करे और कानून व्यवस्था को दोबारा बनाया जाए, ना कि बदले की भावना से आप लोगों के ऊपर केस करें, लोगों को प्रताड़ित करें, उनको जेलों में बंद करें, उनके साथ इस तरह से दबाव डालें, उनको झूठ, उनके झूठा झूठा आरोप लगाएं। इस वक्त आरोप लगाने की ये कोशिश है नार्को टेस्ट से भी कि ये प्रूव कर दे कि ये पूरे गांव के जितने दलित हैं ये सब झूठे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी फिर वही दिखता है कि उच्च समाज और नीचा समाज, और नहीं, हम सब का लहू एक है, हम
और पैसा जो है वो हाथ की मैल है, मगर जाति से ऊपर उठने की आवश्यकता आपको और मुझे है। अगर आपको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है तो याद रखे कि ईश्वर का धन्यवाद, शोषित वंचित है हमारे देश में, उसका उसके उत्थान के बारे में सोचिए, उसके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसके विरुद्ध आवाज उठाइए और सवाल करिए सरकार से कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि देखिए कि किस प्रकार से हॉस्पिटल ये टाइम से नहीं ले गए और सवाल दाग रहे हैं आज विपक्ष पर। मैं आपको बताना चाहती हूं कि सिद्धार्थनाथ सिंह इन्हीं के एक भाजपा नेता है, बोलते हैं कि लाशों पर राजनीति कर रहे हैं और शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी को, सोनिया गांधी को। तो मैं सिद्धार्थनाथ सिंह को बताना चाहती हूं कि शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए सिद्धार्थनाथ सिंह, किस मुंह से इस बात को बोल रहे हो। अपने प्रदेश में संरक्षण नहीं कर पा रहे बच्चों का, अपने अपने प्रदेश में लड़कियों को बचा नहीं पा रहे, कानून व्यवस्था इस तरह का नहीं बना पा रहे कि लोगों के अंदर कानून का डर हो और बच्चियों के साथ इस तरह के अपराध ना हो, और उस जब अपराध हो जाते हैं तो आप उनको उनका बचाव करने लगते हैं जो इस चीज को करते हैं, जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, आप उसको एक बुरे लाइट में दिखाने की कोशिश करते हैं, आप उस पर नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, आप सवाल नहीं कर सकते, आपको शर्म नहीं आती, आप हिंदुस्तानी नहीं है, केवल विपक्षियों पे सवाल करने के लिए बैठे हुए हैं, अपनी पार्टी को बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं कि आपकी पार्टी में कुछ गलत हो रहा है लेकिन फिर भी आप बोलने के लिए बोलेंगे, केवल बोलने के लिए। यू गॉट वर्बल डायरिया और वॉट? Don't you understand that you're supposed to be working for the people of this country? You're not supposed to be working for Adityanath only. You are a leader, and if you are a leader, you should be working for people. You should be working for the country. You should be working for the poor, for the Dalits. That is what you should be doing. या ये बात आपकी समझ में नहीं आती। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हाँ, और साथ में एक और बात इन्होंने कही कि आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री भरोसा दे रहे हैं। अरे भरोसा उसके ऊपर करा जाता है जिसके ऊपर भरोसा हो, जो भरोसे के लायक ना हो, जिसने भरोसा बार बार तोड़ा हो, और जब वो परिवार कह रहा है हमें इस पे भरोसा नहीं है, अरे ये अधिकार तो हमें होता है। अगर हम कहते हैं कि हमारा कोई मैटर है और उसमें कोई केस का आयो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, हम वो कह दे कि नहीं हमारा केस इसके पास से दूसरे को दो, हमें इस पे भरोसा नहीं है, तो वो भी होता है। ये तो नेचुरल जस्टिस सिस्टम है, इतनी भी अक्कल नहीं है। किस प्रकार के लेजिस्लेचर में तुम बने बैठे हो सिद्धार्थनाथ सिंह? अगर कानून का ज्ञान नहीं है, अगर अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, अगर अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है, तो छोड़ दो कुर्सी, मत बैठो उस पर, बदनाम मत करो, मतलब ऐसा मत दिखाओ कि नेता हमारे यहाँ के इतने बेवकूफ है जिन्हें यही नहीं पता कि कहना क्या होता है, करना क्या होता है। पढ़ा लिखा समाज जब आप लोगों को देखता है, इसीलिए कहता है कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी प्लेस। पॉलिटिक्स इज नॉट अ डर्टी प्लेस, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी प्लेस बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू, पीपल हु डू नॉट यूज देयर सेंस, पीपल हु डू नॉट स्टडी, जो अपना केवल बोलते हैं राजनीति करना। और सिद्धार्थनाथ सिंह, आपने राजनीति करी ये बात बोल के। अब स्मृति ईरानी सिंह ईरानी जी की बात सुन लीजिए, कह रही है कि मैं एक संवैधानिक पद पे हूं तो मैं जो राज्य है उसके मैटर में इंटरफियर नहीं कर सकती। इंटरफियर? जब आप कहीं नहीं थी तब आप कैसे इंटरफियर कर रही थी, कैसे चूड़ियां भेज रही थी? पहली बात तो आपकी उस चूड़ी वाली हरकत से ही मुझे आपके ऊपर इतनी मतलब शर्म आती है आपके बारे में बात करके, आपका नाम लेते हुए स्मृति ईरानी, बिकॉज यू आर सो शेमलेस। हाउ कुड यू हैव डन इट? जिस वक्त महिलाएं अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं, और 2020 में हम कहां पहुंच गए, 2014 हो, 2013 हो, हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे, आप जैसी महिलाओं के वजह से हमारी लड़ाई जो है कहीं पे हारी है, हमारी जैसे हमारी लड़ाई जो है वो पीछे हुई है, पिछड़ गई है, क्योंकि आपकी जैसी महिलाएं चूड़ियां भेजती है, क्योंकि चूड़ियां आपके लिए प्रतीक होती है कमजोरी की। तो आप चूड़ियां पहनती क्यों हैं? पहनती है ना, ये देखा होगा आप लोगों ने इन्हें पहनते हुए, चूड़ियां, ये चूड़ियां भी पहनती हैं और चूड़ियों को भेजती हैं, इसका मतलब ये कमजोर हैं। इन्होंने अपने आप ही प्रूव कर दिया ना, या तो ये चूड़ियां पहनती नहीं अगर इन्हें लगता कि चूड़ियां कमजोरी की निशानी है। मैं आपको चूड़ियां भेजती हूं, आप कहिए, आप बताइए कहाँ पे भेजूं, कब भेजूं? आपको चूड़ियां भेजती हूं, जैसे आज आपको वाराणसी में महिलाओं ने चूड़ियां दी। आपको चूड़ियां इसलिए दूंगी, आपको कमजोर नहीं, कमजोर तो आप हैं क्योंकि आप केवल एक्ट्रेस हैं, आप अपने टेलीविजन सीरियल में जो एक्टिंग करती हैं उसी एक्टिंग को आप ला के संसद में करती हैं, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती हैं, सर शर्म से झुक जाता है कि संसद में खड़े होकर एक महिला इस तरह से, सर कलम कर दूंगी, यहां कर दूंगी, वहां कर दूंगी, केवल
वो ग्लिसरीन वाला इमोशन दिखाने के लिए आप कर देती हैं। असली में आपके अंदर वो भावना नहीं है, अंदर नफरत भरी हुई है, नफरत। और दूसरों को बताएंगी, मतलब एक और मैंने मजेदार चीज देखी है भारतीय जनता पार्टी में, इनके अंदर नफरत भरी है, दूसरों को बताते हैं कि ये तो ऐसा करेंगे, मैं तो बेचारी। देखा मैंने आपको क्या कहा था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि स्मृति ईरानी एक कमजोर महिला है। कमजोर वो है क्योंकि अगर कमजोर नहीं होती तो, क्योंकि वे सांसद है उत्तर प्रदेश से, वे आवाज उठाती, वे कहती कि जो हुआ है वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अपनी सरकार को खुलेआम ये बात कहती। जिस प्रकार से इन्होंने पहले भी तो सवाल उठाए थे मोदी जी पर, भूल गई आप, जब आपने उनके ऊपर सवाल करे थे 2002 के दंगों के बाद, तो अब आदित्यनाथ के ऊपर क्यों नहीं कर सकती? आप तो केंद्र में मंत्री हैं, आप पूछती ना कि उत्तर प्रदेश में कैसे, और आप या अमेठी जिले में क्या ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा हुआ नहीं होगा? और अगर ऐसा नहीं भी हुआ है तो ऐसा हो सकता है, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि पूछे? मतलब ये अपनी जिम्मेदारी से भागती है। वैसे भी आप समझ ही गए होंगे कि इनको पहले जो मंत्रालय दिया गया था HRD मिनिस्टर, उसमें से इन्हें हटा के दूसरे मंत्रालय में भेजा गया, क्योंकि ये उस मंत्रालय को संभालना ही नहीं जानती थी, कैपेबल ही नहीं थी। इसी वजह से तो एक से दूसरे से तीसरे, और देखिए इनका कमाल, ये आज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभाल रहे हैं, महिला एवं बाल विकास। तो उस नाते भी देश के केंद्र की सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री होने के नाते क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि ये बोलती कुछ उस बेटी के लिए, और साथ में ये भी कहती कि उस बच्ची के साथ न्याय हो, उसके परिवार के साथ न्याय हो, उस परिवार को मिलने दिया जाए मीडिया से, उस परिवार को मिलने दिया जाए वकील से। जानते हैं आप निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा जब वहां पहुंची थी, उनके साथ कितनी अभद्रता करी गई, उन्हें उनसे बदतमीजी करी गई, उन्हें शटअप तक कहा गया और उन्हें भगाया गया वहां से। इस तरह की बदतमीजी आप करवा रहे हैं, तो याद रखिएगा, व्हाट गोज राउंड कम्स राउंड, जैसा करोगे वैसा भरोगे भी, और जिस चीज को तुमने बोया है उसे तुम्हें काटना भी पड़ेगा। और आपको एक और बताती हूं, हाँ कह रही हैं कि जो लोग, मतलब ये क्या भगवान समझती हैं अपने आप को? नाटक में तो ठीक है स्मृति ईरानी कि आप देवी माँ का रूप धारण कर लीजिए, असली में इंसान है, इंसान बन के रहिए। मैं आपके बारे में कोई पर्सनल बात नहीं करना चाहती, मैं इनके बारे में पर्सनल बात नहीं करना चाहती, आप लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कहना चाहती हूँ जब ये करती हैं तब तो ये लोगों के लिए करती हैं। आप वो है जो एक एक्ट्रेस थी, एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस रहेंगी और अच्छी एक्ट्रेस है, मगर राजनीति में अपनी जमीन पाने के लिए आपने एक्टिंग का ही सहारा लिया। समझ में आया स्मृति ईरानी जी? उसके अलावा ये कहती हैं कि जो लोग हाथरस जा रहे हैं वो राजनीति के लिए जा रहे हैं, न्याय के लिए नहीं। आपको कैसे पता? आप किसी के हलक में गई, आप किसी के कॉन्शियंस में गई, होती कौन है आप बोलने वाली? आप सोचते, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वैसे आपको ये भी बात समझने की आवश्यकता है स्मृति ईरानी कि आपकी अपनी पार्टी के अंदर भी आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, आपको कितना कितना समझदार मानते हैं, जानते हैं लोग कि आपकी पहुंच कहां तक है, इसलिए उतने तक तो ठीक है, मगर उसके अलावा आपकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है। यू आर एन एक्ट्रेस, यू आर अ गुड एक्ट्रेस, एंड जस्ट कीप इट टू दैट, दैट्स इट। अब आप देखिए एक और आए रविशंकर प्रसाद, वो भी बता रहे हैं कि राजनीति ना करें। रविशंकर प्रसाद आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप राजनीति नहीं करते, आपने तो राजनीति की, हमेशा राजनीति करी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मैं तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि वो ना तो मेरा कल्चर है, ना कांग्रेस का कल्चर है, ना इस देश का कल्चर है। अगर इस देश की में कहीं पे भी कोई भी लोग गलत भाषा का इस्तेमाल करता है तो हमारा तो धर्म होता है कि हम उनको भी समझाए कि ऐसा ना करें, मगर ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है, और उस चाल चरित्र चेहरे में कुछ चेहरे ऐसे हैं जैसे आपका, अमित मालविया का, आप लोगों का, है ना। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, और विपक्ष 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 और कुछ नहीं है इनके पास,
मतलब आप उस लड़की को न्याय नहीं दिलवाएंगे, आप उसके परिवार को न्याय नहीं दिलवाएंगे, आपके लिए बस विपक्ष। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये वही पार्टी है जो कह रही थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, और आज केवल कांग्रेस 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 कह रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्होंने अपनी मिट्टी खो दी है, क्योंकि ये जानते हैं कि जिस मिट्टी को भी इन्होंने छीन के फरेब से और जालसाजी से पाया था वो भी इनके पास अब नहीं रह गई। लोग इन्हें पहचान गए हैं, देश इनसे संभल नहीं रहा है, राज्य इनसे संभल नहीं रहा है, इसलिए टारगेट करो। इनके टारगेट पे राहुल गांधी हैं, ये हम जानते हैं। इसके अलावा एक और मिले दिखाई दिए मुझे, लालजी निर्मल, ये कह रहे थे समाजवादी पार्टी, एक टीवी चैनल पे डिबेट में, समाजवादी पार्टी को अपनी सरकार के समय के बलात्कारों के बारे में सोचना चाहिए, भगवान आप लोगों को सद्बुद्धि दे। आप ये कह रहे हैं कि दूसरे की सरकार के समय में जो बलात्कार हुए वे तो घिनौने कृत्य थे, और आज जो बलात्कार उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार के समय में हो रहा है, लड़कियों को मार दिया जा रहा है बलात्कार करने के बाद, उनके परिवारों को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो आपके हाथ नहीं लग रहे, वो आपकी बात नहीं मान रहे, क्योंकि उनको आपके ऊपर भरोसा नहीं है, और उन्हें उम्मीद है कि कोई उनको न्याय दिलवा सकता है अगर वो आपके चंगुल से निकल पाए तो, और वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप कहते हैं कि उनकी सरकार के समय के बारे में बात करें, ऐसा आपने कईयों के बारे में सुना होगा, और अभी भी मैं राजस्थान के बारे में अवश्य अभी बात करूंगी, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे भी। आप देखिए कि ये बात करते हैं कि किस प्रकार से इनके समय में जो रेप हो रहे हैं उनके बारे में बात मत करो, इनके समय, अरे तो उनको तो सरकार से हटा दिया ना, सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया जनता ने, तो उसकी सजा उन्हें मिली। लेकिन क्या उसका मतलब ये है आपकी बातों का कि जो उनकी सरकार में रेप और बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, वो वाले तो घिनौने थे, मगर आपके वाले में जो बलात्कार हो रहे हैं वो ठीक है? फिर बता रही हूं आपको, फिर कह रही हूं, समझिए इस बात को, इनकी मानसिकता को। ये पितृ सत्ता से ग्रसित है, ये महिलाओं के प्रति घृणा की भावना रखते हैं, इसी वजह से ये कहते हैं कि इनके समय में जिन लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं, जिनकी हत्या होती है, वो ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं ये। और दलित समाज का नार्को टेस्ट इसलिए कराना चाह रहे हैं क्योंकि इन्होंने समुदायों को बांट दिया, धर्म के नाम पे बांट दिया, ये क्या है इन्होंने। अब आप देखो, मैं आपको एक और, अब ये भी कह रहे थे कि जातीय दंगों के लिए ये कर रहे हैं, तो जातीय दंगों के लिए अगर कोई नेता कर रहा है तो आपके पास अधिकार, आप पावर में है ना, आप गिरफ्तार कर लीजिए, करिए ना गिरफ्तार। आप कह रहे हैं राहुल गांधी जा रहे हैं हाथरस में पीड़ित के परिवार से मिलने, प्रियंका गांधी जा रही हैं पीड़ित परिवार से मिलने, जो तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं वो जा रहे हैं, डेरेक ओब्रायन, काकुली घोष या चंद्रशेखर रावण, जिसको आपने हाउस अरेस्ट कर रखा है उसके घर में सहारनपुर में, आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं तो पूरे देश में क्यों हाहाकार मचा हुआ है, पूरा देश क्यों आवाज उठा रहा है हाथरस की बेटी को के बारे में, हर विपक्षी दल क्यों उठा रहा है उसकी आवाज, क्योंकि अन्याय हुआ है महोदय, अन्याय हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी को ये बात को समझना पड़ेगा। अगर जातीय दंगे को फैला रहा है तो आपने तो पहले भी धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पे लोगों के पोस्टर चिपकाए ना, है ना, जिस दिन आपके थोबड़े चिपकेंगे ना इन पोस्टरों पे, उस दिन बड़ी ठंडक पड़ेगी दिल को, क्योंकि आपने लोगों का उत्पीड़न बड़ा किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो आपका नार्को टेस्ट होना चाहिए, आपके पोस्टर लगने चाहिए। और देखिए आज जिस तरह से ये बातें करे, कह रहे जातीय दंगे भड़काने की कोशिश, तो उसकी तो धारा होती है, आप उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर सकते। लेकिन साथियों इस बात को समझ लीजिए कि कुछ नहीं कर सकते, ये करने के लायक नहीं है। इन्होंने अमित मालवीय, इनका सोशल मीडिया हेड जो है, वो एक तो बदतमीज बहुत है, उसकी भाषा देखो, और झूठी न्यूज हमेशा फैलाता है, कह रहा ऑडियो जो टेप्स है वो उसने अपने ट्विटर पे डाले हुए हैं। मुझे तो ऐसा उसमें कुछ दिखा नहीं, उसमें कोई महिला कह रही है कि अपने पापा से, भाई जब तुमने सबको बंद करके रखा हुआ है तो और कैसे बात करेंगे, कि उनको कहो कि एक वीडियो बना के ये बात कह के मुझे भेज दे, अगर मुझे भी कोई ये बात बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ तो मैं उसको ऐसे ही तो बताऊंगी कि भैया आप एक काम करो, इस बारे में ये वीडियो बना दो, लंबी मत बनाना, उसमें ये पॉइंट डाल के बस इतनी बात कह के मुझे भेज दो, मैं उसे चला देती हूँ, यही तो कहूंगी। तो इसमें झूठ क्या है? ये कह रहे हैं
कि वो कैसे बोल रही है, कोई चैनल बोल रहा है, चैनलों पे भी आती हूँ। अब मैं आपको राजस्थान वाले मैटर के बारे में बता दूं कि अलवर में जब गैंगरेप हुआ था पिछले साल, तो राहुल गांधी वहां गए थे, उन्होंने अपनी सरकार को कहा था और उस मामले में कार्रवाई ठीक प्रकार से हुई। और आज वाले विषय में भी मैं आपको बता दूं, जो इस वक्त विषय चल रहा है जिसके बारे में कहा जा रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूं कि उसमें जो दोनों लड़कियों का मैटर है उसमें 376 लगाई गई है, उसमें 164 के बयान भी हो गए हैं और लड़कियों ने ये कहा है कि हमारे बयान हमें बदलने हैं। देखिए राजस्थान की बात जो करता है वो ध्यान से मेरी बात को सुन ले। और उन बच्चियों ने कहा, मेरे सामने आज तक खुला हुआ है, आज तक जब लड़कियों के परिजनों ने इस बारे में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केस दर्ज किया था। हालांकि दोनों लड़कियों ने मैजिस्ट्रेट के सामने ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर दिया था, लेकिन अब लड़कियों के पिता ने आरोप लगाया है कि बच्चियों पर दबाव डाला गया था और माता पिता को मार डालने की धमकी दी गई थी, जिसकी वजह से मैजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने बयान बदला था। इसके बाद पुलिस ने मैजिस्ट्रेट से दोबारा बयान दर्ज कराने के लिए लिखित आग्रह किया है, राजस्थान की पुलिस ने। तो जितने लोग यहाँ आके बोलते हैं ना राजस्थान के बारे में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वो ध्यान से मेरी बात को सुन ले। फिर ये भी सवाल था कि पुलिस ने कहा है कि इस केस में अब धारा 376 भी जोड़ी जाएगी। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे थे, क्योंकि पीड़ित नाबालिग बहनों ने पुलिस के सामने 161 के बयान में बलात्कार की बात कही थी, मगर मैजिस्ट्रेट के सामने वे दोनों पलट गई थी। फिर ये भी सवाल था कि नाबालिग आरोपियों को थाने से क्यों छोड़ा गया। तो जो सवाल उठे कहीं छुपाया नहीं, राजस्थान की सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है, बल्कि ये देख रही है कि उन बच्चियों को जो भी उनके अधिकार है, जो वो बच्चियां कह रही हैं, उस हिसाब से कार्यवाही करी जाए। समझ में आई। जितने आप लोग आते हैं राजस्थान राजस्थान कहते हैं, पहले पढ़ लिख के लिया करो। केवल बीजेपी आईटी सेल के ये व्हाट्सएप के फॉरवर्ड पढ़ के अपना ज्ञान बांटने मत आया करो बुड़बकों। 12 जिले के एसपी डॉक्टर रवि का कहना है कि बच्चियों के घर वालों से बातचीत की गई है। देखिए ये कौन है, जिले के एसपी डॉक्टर रवि, उन्होंने नई शिकायत दी है, फिर से बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं, दोबारा मामले की जांच कराई जा रही है। उधर बीजेपी मामले को तूल दे रही है। 12 में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। केवल यह है कि उनकी जल्द गिरफ्तारी हो, बिल्कुल ठीक है, और ठीक है अगर नहीं गिरफ्तारी हुई तो उनको करने का अधिकार है। मामले में कोताही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। कहीं पे रोका क्या, बताइए मुझे, कहीं पे रोका गया? ये अजमेर पुलिस ने गुरुवार को धारा 161 के तहत महिला के बयान दर्ज कराए। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी युवक से पूछताछ भी की। सूत्रों के अनुसार घटना के पीछे पुराने प्रेम प्रसंग का मामला जुड़ा है और ये बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इसमें कहीं पे भी कोई शक नहीं है कि कहीं पे भी पुलिस मामले को दबाने की कोशिश करी गई है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनकी डिमांड ये थी कि जो पुलिसकर्मी उनके विरुद्ध कार्रवाई करी जाए, और दूसरी तरफ ये कि जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, पर क्या आप अपना काम कर रहे हैं? आपका काम है पढ़ के जानिए चीजों को और तब बोलिए, तभी आप जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलते हैं उनको आप बता पाएंगे कि सच क्या है। अब ये जो 3 मीडिया हाउसेज है, हाय बेचारे मीडिया हाउसेज भाई। सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में क्या हुआ जानते हैं आप लोग? सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में, और मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति मिले, मुझे ये पहले से अंदेशा था कि कुछ ऐसा होगा। अब भले ही परिवार कुछ भी कहता रहे, परंतु आपको ये बताना चाहती हूँ कि एम्स की रिपोर्ट आ गई है, उन्होंने कहा उसकी हत्या नहीं। अब ये तीनों चैनल क्या करे, वही वो चौरसिया और वो क्या है, वो क्या है उसका गोबर स्वामी, और एक तीसरा वो नाविका, नाव में बैठकर गोबर के ओर से, वो गोबर का क्या होता, चप्पू से अब वो करते हुए निकलने वाले हैं। तो उनके पास अब कुछ रानी टीआरपी को कैसे बढ़ाया था, चिल्ला चिल्ला के, कूद फांद के, है किसी को नहीं बोल के,
अब आ गए ये इस वाले मटन में हाथरस, अभी तक नहीं उठा रहे थे हाथरस में, इसमें अब ये क्या कह रहे हैं, इसमें अब ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से राजनीति कर रही है। साथियों मैं आपको कहना चाहती हूँ कि खैर ये तो बहुत ही मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनके बारे में ज्यादा ना बोला जाए तो बेहतर है। बेटी को पेट्रोल डाल के जलाया गया, उसकी न्यूज को फेक न्यूज पहले कहा गया, उसकी डाइंग डिक्लेरेशन को मानना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि उसके मृत शरीर को इन्होंने आग में झोंक दिया, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया, तो आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, एक FIR दर्ज किया जाए, वहां के जितने अधिकारी हैं चाहे SP हो वो पुलिस वाले हो और जो DM है वो भी, ADG लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, विनय कटियार के ऊपर, आदित्यनाथ के ऊपर, DGP के ऊपर, और मामले में सही प्रकार से कार्यवाही हो। जो वकील है वकील उपलब्ध कराया जाए, सीमा कुशवाहा अगर जाके उनकी मदद करना चाहती हैं तो सीमा कुशवाहा को आदित्यनाथ जी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें बुलवा के परिवार से मिलवाए, SIT की जांच में अगर कुछ भी होता है तो दोबारा से करवाइए, उसके बाद होनी चाहिए। वैसे परिवार CBI जांच मांगता है क्योंकि आपके ऊपर भरोसा नहीं है किसी को। अब मैं आपको और भी बताना चाहती हूं कि सुबह खबर आई कि गांव को खेतों में उन लोगों को खड़ा कर दिया गया था जो विपक्षी पार्टी थे, वो मैं आपको बता चुकी हूं। अब आप मुझे बताइए अगर इस बारे में भी क्या इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त उस परिवार के जीवन को बहुत बड़ा खतरा हो गया है, इसलिए सरकार को यह भी देखने की आवश्यकता है कि उनका किसी प्रकार का नुकसान ना हो तो उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और आपको बता दूं कि पहले तो इन्होंने लोगों को रोकने के लिए 144 CRPC लगाई, जिसमें आप जानते हैं कि 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, मगर उसके बाद जब इन्होंने देखा कि कोई मानने को तैयार नहीं है तो भैया हद ही मचा दी इन्होंने। इन्होंने कह दिया कि ये कंटेनमेंट जोन है और यहाँ पे कोविड के कारण कंटेनमेंट जोन है। मैं आपको कहती हूं ना कि कोविड हो या कोई भी महामारी पहले रही है तो उसका इस्तेमाल तानाशाहों ने अपने फायदे के लिए किया और शासकों ने तानाशाह बनने के लिए उन महामारियों का इस्तेमाल किया। ये खुद ही महामारी है, ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सत्ताधारी है ये अपने आप को शासक ही समझते हैं। अब आप देखिए कि अगर आरोप सिद्ध हुए तो कार्यवाही होगी, ये बात भी इन लोगों ने कही है कि रेप हुआ कि नहीं हुआ, तो भैया आपने जब शवी को जला दिया तो अब तो हमारे को वैसे भी इस बात को मानना पड़ेगा, डाइंग डिक्लेरेशन है पर मानना तो पड़ेगा। जो भी कहेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ आज जो भी खड़ा है वो इस देश का गद्दार बन गया है, क्योंकि अगर महिलाओं के विरुद्ध आप जा रहे हैं तो यानी कि आपके अंदर पितृसत्ता है। भाई मैं ये नहीं कहती कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध नहीं हूं, मगर आज जो भारतीय जनता पार्टी है और आज जो आदित्यनाथ वाली भारतीय जनता पार्टी दिख रही है मैं उसके विरुद्ध हूं। और कमाल आप देखिए कि जितने टेलीविजन चैनल है उनमें से एक भी व्यक्ति ने मोदी जी को सवाल नहीं किया। मेरे सवाल तो मोदी जी से ये सारे सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्यों नहीं वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाते, वैसे गेम अच्छा खेला है आदित्यनाथ, तुम तो हो गया तुम्हारा काम। और आपको मैं बता दूं कि जो कुछ भी आज हो रहा है उसमें अगर आपने सवाल नहीं उठाए तो बहुत मुश्किल होगी। आपने नोटिस किया होगा किसी भी वीडियो में देख लीजिए, ऊपर वाले ने ऑर्डर दिया, ये ऊपर वाला कौन है? क्या DM की इतनी हिम्मत होगी कि उस शव को वो उस प्रकार से जला देता? क्या DM SP की इतनी हिम्मत होगी कि वो उस पूरे गांव की घेराबंदी इस प्रकार से कर देता और जो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं उनको अंदर ना जाने देता है? कानून व्यवस्था लागू होनी चाहिए, गाड़ियों को पलटा के लोगों को मरवा के कानून व्यवस्था नहीं लागू होती। अब आप देखिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को भी बलि चढ़ा देंगे। अब मैं आरोपियों के बारे में बात करना चाहती हूँ कि आरोपियों के लिए अब बार बार खबरें आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उनके साथ उनको कड़ी सजा दी जाएगी। आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि कैसी सजा दी जाएगी? ये तो कानून करेगा ना, आपको तो तथ्यों को मजबूत करके कोर्ट में पेश करना है। या आपने ये सोचा कि किस प्रकार से इनको पहले ही मरवा दो? ये चीज नहीं होनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। अगर इनको कोर्ट फांसी की सजा देता है तो फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी पे लटकने चाहिए, उसके पहले नहीं होना चाहिए कुछ भी। आपको बचाने की कोशिश नहीं करनी है, आपको संदीप के पिता आपके मित्र होंगे, आपके साथी होंगे, संदीप को बचाना नहीं है, बाकियों को बचाना नहीं है। ये ऊपर वाला कौन है साथियों, ये ऊपर वाला कौन है इसके बारे में सवाल पूछो आप, ये ऊपर वाला आदित्यनाथ
वही उन्हीं के ऊपर, द बक स्टॉप्स देयर, द बक स्टॉप्स विद यू आदित्यनाथ, बिकॉज यू आर लीडिंग उत्तर प्रदेश, यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आपके ऊपर जिम्मेदारी आकर खत्म होती है, उसके आगे जिम्मेदारी राज्य की कहीं नहीं जाती क्योंकि कानून व्यवस्था स्टेट सब्जेक्ट है, समझ गए आप, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। भाई आप ये देखिए, राजनीति पर बहुत सारी बातें करी जाती है, राजनीति है ये है वो, अब आप मुझे बताइए कि जब आपसे सवाल कर रहे हैं उमा भारती जी, वो तो आपकी पार्टी की, वो आपको बता नहीं है कि आपकी बड़ी बहन के नाते बता रही हूँ कि वहां पे सबको जाने दो, इस तरह से कभी पहले नहीं हुआ है ना, तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, आप ये आपको निर्भया वाले कांड में भी याद कराना चाहती हूँ कि किस प्रकार से उस वक्त शीला दीक्षित जी गई थी उन बच्चों से मिलने के लिए, उन नौजवानों से जो वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, मगर उन्हें वहां से भगा दिया था गुस्से में, उन्होंने सहा क्योंकि वो बात समझ में आई उन्हें, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होता है उसे ऐसे ही समझने की जरूरत होती है मगर उसे हाथ बढ़ाने की आवश्यकता होती है। अब आप देखिए कि किस प्रकार से जब निर्भया के मृत शरीर को लाया गया था तो एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी वहां पहुंचे थे, और आप मुझे बताइए कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो मीडिया की लड़कियों को रोक दिया गांव के अंदर प्रवेश करने से, इन्होंने डेरेक ओब्रायन को, टीएमसी के सांसदों को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, इनको रोक दिया, मगर राहुल गांधी जी के बारे में आपको इतनी बात बता दूं कि इन्होंने जितनी फोर्स लगाई थी तो उस फोर्स का फायदा क्या था, अगर उतनी फोर्स आप स्टेट में लगा देते, इनके पास 119 करोड़ से ज्यादा निर्भया फंड मिला है जिसमें से इन्होंने मात्र 9 करोड़ खर्च किया। स्मृति ईरानी जी का आज मैं बयान सुन रही थी कि हमने निर्भया फंड सबको दिया, अरे निर्भया फंड सबको दिया स्मृति ईरानी, तो आप ही के स्टेट में इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, ये सवाल जरूर से पूछ लेना, 9 करोड़ क्यों इस्तेमाल हुआ 119 करोड़ में से, ये बात पूछ के बताना मुझे जरूर। ये कहते हैं कि हाथरस जाने की क्या आवश्यकता है राहुल गांधी को, तो आप एक और चीज पता चल गई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जाने से, एक तो आपने देखा होगा जो जन सैलाब उभड़ा, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूं कि याद रखिएगा कि जो 60 करोड़ लोगों ने मत डाले थे 2019 में से मात्र 23 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, तब भी कोई उनको जो है आधे वोट या आधे से ज्यादा वोट नहीं मिले थे साथियों, उन्हें सबने वोट नहीं किया, उन्हें मात्र 23 करोड़ वोट मिले थे 60 करोड़ वोटों में से, इस बात को याद रखिएगा आप। अब परिवार वालों को पता चल गया है कि उन्हें किस पे भरोसा करना है, वे जानते हैं, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, अगर उनको लगता है कि जो विपक्षी नेता है वो उनको उनके अधिकार दिला सकते हैं, उनको न्याय दिलवा सकते हैं, तो ये उनका प्रेरोगेटिव है, उनका राइट है, और आप और मैं कोई नहीं है और आदित्यनाथ आप तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको अपने अधिकार क्षेत्र से बढ़कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं, जनप्रतिनिधि है, आपके बारे में अच्छी तरह से सब जानते हैं, उतना करिए जितना आवश्यक है। और देखिए ये बात करते हैं जनाधार, ये जनाधार खो चुके हैं कांग्रेस वाले, तो आपको चिंता क्यों हो रही है, आपको चिंता क्यों हो रही है, यानी कि राजनीति आप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वालों के, आप बयान सुन लीजिए, बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है, जनाधार ढूंढ रही है और जाति और धर्म के नाम पर विभाजित कर रही है, तो भाई आप केस कर दो ना उनके ऊपर, मगर इस तरह की ऊटपटांग की बातें ना करो। और आपको एक और बात याद भी कराना चाहती हूँ कि राजनीति कौन कर रहा है, मैं ये क्यों कह रही हूँ कि ये राजनीति कर रहे हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था निर्भया के मैटर में, आपको बता दूं कि निर्भया की माँ आशा देवी ने एक बात पूरी दुनिया के सामने साझा कर दी, अगर वो ना करती तो ना मुझे पता चलता, ना आपको ना किसी और को, ये बात क्या थी, निर्भया का भाई पायलट बन गया, निर्भया के भाई को पायलट बनाने के लिए राहुल गांधी का जो योगदान है उसको वो सबके सामने लेके आए, उन्होंने सबके सामने इस बात को लाकर धन्यवाद किया राहुल गांधी का कि वो मेरे टच में हमेशा रहे। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ सदफ जाफर की, उनको भी जेल में डाला था आदित्यनाथ ने, सदफ जाफर अपनी नेता मानती हैं प्रियंका गांधी जी को, क्यों
क्योंकि उनका कहना है कि जब मैं जेल में थी तो मेरे बच्चों के संपर्क में रही, वो उन्हें किताबें उन्होंने भेजी, वो अगर ना बताती तो आपको और मुझे नहीं पता चलता। इसी तरह से नेताओं को ऐसा ही होना चाहिए, संवेदनशीलता और सहनशीलता भी होनी चाहिए, लोगों की बातों को सुनने की शक्ति भी होनी चाहिए, इसलिए सहनशीलता की बात कर रही हूँ। लेकिन अब आवश्यकता है कि आप इस बात को समझें और इस सरकार से सवाल करें, इस सरकार को कहें कि राहुल गांधी ने तो ठान लिया तो ठान लिया, वो पहुंच गए तो पहुंच गए, आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अब आपका काम है ये बताएं कि वो ऊपर वाला कौन है, उस ऊपर वाले को सजा देने की आवश्यकता है, उसके विरुद्ध कार्रवाई हो, उसके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज हो, उन सभी पुलिस वालों के, उन सभी अधिकारियों के, ADJ लॉ एंड ऑर्डर, इन सब के विरुद्ध सचमुच में अगर आप चाहते हैं कि न्याय हो इस परिवार के साथ तो ये FIR होनी चाहिए। और देखिए, आज परसों जब राहुल गांधी निकले थे अपने घर से तो आपने सोचा था कि जन सैलाब उमड़ेगा, उमड़ा क्योंकि थक गया झूठ से, फरेब से। और ये क्यों कर रहे हैं, अभी किसी ने लिखा था कि जितने मुद्दे हैं, चीन का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, आर्थिकी का मुद्दा हो, इन सब को दबाने के लिए आप एक मुद्दा, दूसरा मुद्दा, कई मुद्दे लेके आते हैं, और ये आप जब करते हैं तो आप लोगों के साथ भी अन्याय करते हैं। लेकिन आप सब याद रखिए कि हम लोकतंत्र में रहते हैं, समय आ गया है लोकतंत्र को बचाने का, अब हम बचा भी लेंगे। इसलिए आप सभी से दोबारा मुलाकात करूंगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आप जानते हैं कि मेरी पेज की रीच को फेसबुक रोक के रखा है। योगी के मीडिया सलाहकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना को अफवाह बताया था। मैं यही बात कह रही हूँ अमित सिन्हा जी, कि ये कह रहे थे कि ये अफवाह है। फिर आपने लिखा है, उसी झूठ को छुपाने व बलात्कारियों के पिता का योगी व मोदी के करीबी होने की वजह से इस सारी साजिश को अंजाम दिया गया। योगी ने प्रत्यक्ष रूप से झंडू जैसे DM के माध्यम से पीड़ित परिवार को धमकाया गया, यह अत्यंत निंदनीय है। मैं एग्जैक्टली ये सारी बातें कह चुकी हूँ आज। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि हम लोगों के अंदर हिम्मत दे सके, लोगों को शक्ति दे सके और अपनी ऊर्जा को इस परिवार तक भेज सके, ताकि इस परिवार के साथ जो कुछ हुआ है उससे वो उबर नहीं पाएंगे बहुत समय तक, मगर उनके लिए प्रार्थना करें कि उनके दर्द को कुछ कम कर सके हम, चाहे अपनी प्रार्थना से, अपनी ऊर्जा उनकी तरफ भेजकर, या प्रत्यक्ष रूप से जो लोग उनके पास तक जा सकते हैं वो लोग भी। आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी साथियों। इस वीडियो को अधिक से अधिक अवश्य शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।